नमस्कार, बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर में सास बहू आपस में प्यार से नोक झोंक करें या फिर माँ बेटी बनकर रहें, सोचना तो उन दोनों को घर के लिए ही होता है और ऐसा ही परिवार कहलाता है आदर्श परिवार। हम आ गए हैं इमाम कोठी कोकर रांची में। हमारी आज की बिग बहुरिया है श्वेता कश्यप और उनकी सासू माँ रमावती देवी जी से मिलने। श्वेता जी एक हाउसवाइफ हैं और अपनी सासू माँ की प्यारी हैं। जैसे सारी लड़कियाँ देखती हैं वैसे मेरे भी कुछ सपने थे। कुछ कुछ क्या हो उसके सपनों का राजकुमार मिले, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे सपने सच हो जाएं। हाँ, बहुत हद तक सच हुए हैं सपने। कुछ कुछ सोचा था जैसा वैसे मिले हैं मेरे हस्बैंड, और बाकी तो कुछ अच्छाई बुराई सभी में होती हैं। कुछ कमियां कुछ बुराइयां सभी में होती हैं, सबको साथ लेके चलना है, तो वो एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आज की बिग बहुरिया श्वेता कश्यप जी और उनकी सासू माँ रमावती देवी जी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? मेरा नाम राधा चौबे। छोटी? मूरत देवी। अन्नु। इन लोगों से और भी बातचीत होगी, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है आप लोगों को समझा दें, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आप सासू माँ की टीम से खेलेंगे, कौन सासू माँ की टीम से खेलेंगे और कौन बहू की टीम से खेलेंगे। आप किसकी टीम से खेलना चाहेंगे? बहू की टीम से। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को खेलना पड़ेगा सासू माँ की टीम से। हाँ। तो गेम क्या है आप लोगों को समझा दें। हम आप लोगों के सामने कुछ रुमाल रखे हैं और कुछ चूड़ियाँ रखी हैं, तो इन दोनों के साथ आपको ऐसा फ्रेम बनाना है, ठीक है? और इसके लिए आपको मिलेगा एक मिनट। एक मिनट के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे फ्रेम वो होंगे हमारे गेम के विजेता, और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें? ओके। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी। मिक्स आप लोग मत करिएगा, देखिए खुल भी रहा है। जल्दी जल्दी, आपके पास समय बहुत कम है। कौन जीतेगा? बहू ही जीतेगी। बहू ही जीतेगी। चूड़ी के साइज देखिए। जल्दी, आपके पास बचे हैं 5 सेकंड। जल्दी, 4, 3, स्मार्ट निकल गई, समझ गया है। हम अकेले क्या करेंगे? हाथ छोड़ दीजिए, हो गया, काउंट कर लेते हैं। एक मिनट मैं काउंट करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's very good. 9 बन गया, बहुत जीत गई। 1, 2, 3 यानी कि आज की विजेता है हमारी बहुरिया टीम, और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। गेम तो हमने खेल लिया, अब करते हैं कुछ और बात। कैसा रिलेशन है आपका सास और बहू से? दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन है। और लेकिन किससे ज्यादा? सासू माँ ज्यादा अच्छी है। तो दोनों ही बहुत अच्छी है, और बहुत आदर्श जो होता है, आदर्श लोग आपस में रिलेशनशिप है सास बहू का। दोनों से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमेशा साथ देती हैं। अगर पॉपुलैरिटी मीटर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आप किन को मानती हैं, सास को या बहू को? सास को। सास बहुत ज्यादा पॉपुलर है मेरे अकॉर्डिंग, तो बहू है। मेरी नजर में पॉपुलर सास है। तो यहाँ सासू माँ ने बाजी मार ली है। सासू माँ को मिले हैं 3 वोट्स और बहुरिया को 1। नमस्कार। आप है हमारी आज की बिग बहुरिया, और हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। ओके, आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ। हम आ गए हैं हमारी आज की बिग बहुरिया श्वेता कश्यप जी के परिवार के बीच। हम चाहेंगे श्वेता जी कि आप अपने परिवार से हमारा परिचय कराइए। ये मेरी सासू माँ। प्रणाम। प्रणाम। आपका नाम? रमावती देवी। ये मेरे पति देव। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम बिमलेंदु कश्यप। क्या करते हैं आप? HEC में HR मैनेजर हूँ।
ये मेरे ससुर जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? बबन चौबे जी। आप क्या करते हैं? हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से रिटायर कर गए हैं। तो ये है श्वेता जी का पूरा परिवार। श्वेता जी, हम आपको बता दें कि हम आपके यहाँ आने से पहले आपके पड़ोसन से मिलते आए हैं। उनसे बहुत सारी बातें भी हुई, हम गेम भी खेले और उनसे पूछा हमने एक सवाल, पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? तो उनका जवाब था सासू माँ। उस हिसाब से विजेता हुई सासू माँ और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आपको समझा दें। आपके सामने ये कुछ कागज रखे हैं और आपको बनाना है होम्योपैथिक का पुड़िया। जानते हैं ना आप लोग? बना लूंगी। ठीक है, तो उसके लिए दिया जाएगा आपको 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर जो सबसे ज्यादा बना लेंगे उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें। ठीक, तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी। समय बहुत कम है। बाकी है आपके पास। 4, 3, 2, 1 समय समाप्त। तो माँ जी ने बनाया है 1 और बहुरिया ने बनाया है 2। तो इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया श्वेता कश्यप जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया हैं श्वेता कश्यप जी। श्वेता जी अपनी शादी से बहुत खुश हैं, लेकिन पति में थोड़ी सी कमी के कारण बदलाव चाहती हैं। श्वेता जी, शादी के पहले हर एक लड़की अपने मन में पति को लेके सपना देखती है। आपके क्या सपने थे? जैसे सारी लड़कियाँ देखती हैं वैसे मेरे भी कुछ सपने थे। क्या हो उसके सपनों का राजकुमार मिले, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे सपने सच हो जाएं। हाँ, बहुत हद तक सच हुए हैं सपने। कुछ कुछ सोचा था जैसा वैसे मिले हैं मेरे हस्बैंड, और बाकी तो कुछ अच्छाई बुराई सभी में होती हैं। कुछ कमियां कुछ बुराइयां सभी में होती हैं, सबको साथ लेके चलना है, तो वो एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये था कि हाँ, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो, बहुत ज़्यादा बातें करें, अपनी सारी बातें खुल के रखें, तो वो कुछ कुछ कहीं माइनस करता है वो। अच्छा। हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इनमें बस। ससुराल में आने के बाद एडजस्टमेंट में तो काफी तकलीफ आई होगी आपको। हाँ, सब कुछ नया नया रहता है, तो उसमें आपके पति ने या आपकी सासू माँ ने कैसे हेल्प किया? बहुत ही कोऑपरेट किया, और घर में सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जहाँ तक सासू माँ की बात है, वो जैसे मेरी अपनी माँ मदर की डेथ हो गई थी 20 ईयर्स पहले, तो यहाँ आने के बाद फिर ऐसा लगा नहीं कि हाँ मतलब माँ क्या होती है। तो माँ से मुझे मेरी सासू माँ से माँ का ही प्यार मिला है, और बहुत अच्छी है वो। सासू माँ के बारे आपने क्या सोचा था? सासू माँ के बारे में मैंने जैसा सोचा था, मेरी सासू माँ बिल्कुल वैसी ही हैं। उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया इस घर के तौर तरीके? हाँ, इसमें इस घर में कैसे सबका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से तुमको कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी बातें बताई उन्होंने। तो आपको तकलीफ नहीं हुई जब नए नए आए थे? ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो हुई होगी। थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन स्टार्टिंग में तकलीफ नहीं हुई, अब ज़्यादा लगता है क्योंकि अब तो समझ गई हूँ घर में सारे लोग कैसे हैं, और अच्छे से सभी को जान गई हूँ। आपने अपने हिसाब से क्या क्या ससुराल में चेंजेस लाए? मैंने चेंजेस लाए बहुत हद तक। हाँ, मेरे घर में यहाँ मेरे हाथ का खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो बहुत लोग हाँ ऐसे तो खाना आपको शुरू से आता था बनाने? खाना तो नेचुरल है कि हाँ, वहाँ मैं क्या मदर नहीं थी तो बहुत ज़्यादा किचन में मेरा रहता था। अच्छा। ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड होता था, पढ़ाई लिखाई के अलावे बाकी टाइम जो बचा वो किचन में जाता था। अच्छा। तो फिर खाना एक्सपीरियंस कहो या फिर हाथ का फ़र्क कहो, खाना बहुत
मतलब टेस्ट आता है उसमें, तो सारे लोग शायद कुछ ना कुछ सीखते हैं इस चीज़ में, सारे लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं मेरे से। और सबसे ज़्यादा पूछ किस बात पे होती है? खाने में ही, नेचुरल है। हाँ, भाभी ये बनाओ, भाभी वो बनाओ, श्वेता ये बना देना, ये अच्छा बनाती हो। हाँ, उसके अलावा जैसे कि हाँ बाकी सब में, जैसे किसी को फंक्शन हुआ घर में तो सब लोग मिस करते हैं, रहो नहीं रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फैमिली कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा। घर का एक मेंबर भी मिसिंग होता है तो फिर वो फैमिली ओकेजन्स में थोड़ा मिसिंग लगता है। आपकी कभी ऐसी कोई अनबन हुई हो सासू माँ से शुरुआत में या अभी इस दौरान, जिसपे गुस्सा तो आया हो आपको, लेकिन आपने टैकल कैसे किया उस चीज़ को? अनबन तो जैसे होती रहती है किसी ना किसी बात को लेके, हर घरों में होती है। तो यहाँ पर है कि जैसे कि मेरी सासू माँ हैं, एक तो बहुत ज़्यादा गैप है, जनरेशन गैप कहो आप, बिल्कुल। हाँ, तो मेरी सासू माँ है कि वो बहुत ही सीधी सादी हैं, वो भी ओपन नहीं हो पाती हैं, जैसे कि हाँ शायद मेरे हस्बैंड उन पे ही गए हो, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पाती हैं, अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाती हैं, अंदर रखती हैं। हाँ, अंदर रखती हैं। जैसे कि आप मेरे से, मेरे लिए मैंने कुछ किया है, मेरी कुछ बातें हैं, तो वो आप आके मेरे से शॉर्ट आउट कर लो, ये ज़्यादा बेटर है। बस यही है, थोड़े लगता है कि हाँ अनबन वाली बात हो जाती है कई बार। अच्छा, तो अंदर अंदर ही रखते हैं आप लोग, कभी खुल के नहीं? नहीं, अंदर नहीं, खुल के नहीं आ पाते कभी। कभी आपने भी कभी बात नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी खुल के वैसा मतलब फ्लोर पे आके झगड़े नहीं होते हमारे यहाँ कभी नहीं। नहीं, वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो मन में बातें होती हैं। हाँ, मन में बातें होती हैं, तो वो खुल के कभी बात कर पाते हैं कि नहीं आप? हाँ, वो तो होती हैं, सिंपल वो हंसी मजाक वाली बातें होती हैं, उसके अलावा जो सीरियस मैटर्स होते हैं उसके बारे में कुछ वैसा नहीं होता है, वो बात आई गई हो जाती है। अच्छा, अंदर ही? हाँ, वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वो खुद ही शॉर्ट आउट हो जाते हैं वो प्रॉब्लम्स। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा बकबक करे। अच्छा, बस आपसे रेगुलर बात करते? हाँ, बकबक करते रहे दिन भर, मेरे से ही नहीं सभी से खुल के बातें करें, अपने मन की बातें जो है वो जरा एक्सट्रोवर्ट बने। वो कौन सी बात है जो आप अपनी सासू माँ में बदलना चाहती हैं? सासू माँ में है कि वो भी अपनी बातों को खुल के रखें, जो भी हैं और मेरे से शिकायत है तो आके वो मेरे से बात करें, और मेरे से ही शॉर्ट आउट करना चाहे तो वो निकाल लें, ऐसा नहीं कि वो कहीं अदर उसको सोल्यूशन ढूंढें, बस यही और कुछ नहीं। बतौर बहुरिया आपने अपना भविष्य कैसा देखा है और उसमें सासू माँ का किरदार क्या होगा? ये तो नेचुरल सी बात है कि सासू माँ और बड़े घर के नहीं रहे तो फिर घर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे दो बच्चे हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो फिर शायद इतने अच्छे से नहीं बड़े हो पाते, नहीं पल पाते, या फिर शायद वो कंडीशन को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि उस टाइम में क्या हाल होता मेरा जी। अभी इनके हेल्प से सासू माँ हैं या फिर फादर इन लॉ हैं, इन लोगों का इतना कोऑपरेशन है कि इन लोगों की वजह से लाइफ बहुत स्मूथली जाता है। तो आगे क्या क्या चाहते हैं आप? आगे यही है कि हाँ इनका साथ हमेशा रहे हमारे साथ, बस बच्चों को प्यार मिले। बच्चे तो मेरे से ज़्यादा कहीं दादा दादी से क्लोज हैं। आपसे इतनी अच्छी बात हुई, इतना अच्छा जवाब दिया आपने, और भी आपके बारे कुछ जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। ओके। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ या सासू माँ? सासू माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आज़ादी, पिता के साथ या पति के साथ? पति के साथ। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? सासू माँ से। दोस्ती, बहन या ननद? ननद से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। अब हमारी बातचीत में शामिल हो गई है श्वेता कश्यप जी की सासू माँ रमावती देवी जी। माँ जी, बहू को लेके क्या सोचे थे आप? सोचे थे बहुत अच्छी बहू मिलेगी, सो मिल गई है। शादी के बाद आपके बेटे में कहीं से कोई बदलाव आया? नहीं, बेटा में तो कोई बदलाव नहीं आया। जब आपकी बहू आई यहाँ पे घर पे तो सब कुछ नया नया होगा, एक लड़की जब जाती है नए घर में ससुराल में, तो आपने उनको कैसे मदद किया यहाँ का तौर तरीका सीखने में? हम तो अपने तरफ से सब सिखाए उसको, कभी ना डांटते हैं ना बोलते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। उसकी माँ नहीं है तो सोचते हैं कि हम ही उसकी माँ हैं, तो उसको बहुत अच्छा से रखते हैं। क्या क्या सिखाए जब नई नई आई थी? वो सब कुछ सीख के आई थी, हमको कुछ सिखाना नहीं पड़ा। कम उम्र की थी तभी तो? नहीं, खाना उना सब बहुत अच्छा बनाती है, सब करती है, तो कुछ सिखाना नहीं पड़ा हमको। यहाँ का तौर तरीका नहीं सिखाना पड़ा? ना, यहाँ का तो सब देखते, सब एक महीना के बाद सब सीख गई। बहू की कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है? सब करती है, खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है, सेवा सहाय करती है, दवा दारू सब देती है, सब करती है। उसके दो बच्चे हैं, उसे भी दिन भर मन लग जाता है।
और कौन सी बात है जो अच्छी नहीं लगती है, जो बदलना चाहती है? हम चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे, यही सब है, और क्या। तो कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है क्या उनका? उनका ऐसे थोड़ा मरा रहता है, थोड़ा दुखी भी हो जाती है। भाई का भी डेट हो गया था एक साल पहले। अच्छा। इससे थोड़ा उदास हो जाती है, तो हमको लोग को भी खराब लगता है ना। हम चाहते हैं हमेशा खुश रहे, ठीक से रहे। अच्छा। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बात है जो बहू में, जो परिवार को एकजुट रखती है? सबकी सेवा करती है। हम लोग चार पांच भाई हैं, सब चाची लोग, चाची सास का भी सबका देखभाल करती है, सबका सेवा। जॉइंट फैमिली है। हाँ, पांच भाई हैं, सब लोग को करती है, सब ननद को, देवर को, सबको करती है। आपका और उनका रिश्ता कैसा है? एक माँ बेटी का है, एक दोस्त का है, या एक सासू माँ और एक बहू का? तो माँ बेटी जैसा है, और सास बहू है तो सास बहू है, बहू है। और गुस्साने का तो कोई सवाल ही नहीं, हम कभी गुस्साते नहीं है उस पर। अच्छा। और दोनों आपके साथ? हाँ, मेरे साथ भी दोनों अच्छा है। सबसे छोटा बेटा है, छोटी बहू है, अच्छा है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं इनके बेटे और बहू दोनों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में, और हमारी आज की बिग बहुरिया है श्वेता कश्यप जी, और उनके साथ अभी जुड़ गए हैं उनके पति देव विमलेंदु जी। आप बताइए, लड़की जब नई नई आती है ससुराल में, तो एडजस्ट करने में काफी दिक्कतें आती हैं। टाइम तो लगता है थोड़ा सा। जी, तो आपने उसमें इनकी कैसे मदद की? मैंने इनको हर एक समय इनको सहायता दिया, इनको कोई भी परेशानी नहीं होने दिया। कि नए नए शादी के बाद कोई भी लड़की आती है, उसकी बहुत ही आशाएं रहती हैं कि भाई हमको कोई समझे, हमारे कोई मदद करे। तो मैंने इनको हर एक समय, हर एक पल इनको मदद किया। आपकी पत्नी ने आपके परिवार के लिए ऐसा क्या किया है जो आपको खुशी देता है, या अब भी क्या करती हैं जो खुशी देता है? सबसे बड़े तो मेरी मम्मी और पिताजी का बहुत ख्याल रखती है, और इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। और मैं काम में करता हूँ, और मैं मुझे घर का कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे घर में मेरी वाइफ है जो सब कुछ संभाल लेती है। कभी कोई ऐसा वाक्या याद है आपको, जब आपकी माँ और आपकी पत्नी में कभी छोटी मोटी अनबन हुई होगी, जिसको आपने समझाया या आपने सुलझाया उन चीज़ों को? तो सास बहू में कभी न कभी तो छोटा सा लेके बात को लेके अनबन होती ही रहती है। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी बात हो तो समझा के इनको सेटल कर सकता हूँ। तो कुछ याद है ऐसा? एक दो साल पहले की घटना हो सकती है कि जैसे कभी हम लोग बाहर घूमने चल गए थे, और आने में हम लेट हो गए, तो मेरी माँ ने बोला था थोड़ा पहले आ जाना चाहिए। तो मैंने उसी में अपनी भाई को समझाया था कि ठीक है, आइंदा से हम लोग शाम को जब भी जाएंगे तो पहले आ जाएंगे। उसमें तो उसमें इनका क्या था रिएक्शन? तो ऐसा था कि ये भाई मार्केटिंग करने जाएंगे तो टाइम लग ही जाता है, उसको सामान खरीदने में। तो इसी को मैंने समझा ठीक है, कोई बात नहीं। चुप हो गई? हाँ, आसानी से। हाँ, आसानी से नहीं, समझाना पड़ा कि भाई माँ तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो इसलिए श्वेता जी, जब आपके परिवार में आपके मन लायक कोई काम ना होता हो, और बड़े उम्मीद के साथ आप अपने पति के पास जाती हैं कि वो इस चीज़ को सॉल्व करें, और ऐसा कुछ मदद उनसे मिलता नहीं है, वो पीछे हट जाते हैं, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? तो नेचुरली बहुत बुरा लगता है। चाहती हूँ कि हाँ, वो समझे मेरी बात को, और उसी हिसाब से उस मैटर को हैंडल करें, उसका सॉल्यूशन निकाले। इस बात तो कैसे उन चीज़ों को सुलझाती हैं? समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर समझते हैं तो ठीक है, फिर अगर नहीं समझ में आती है बात, तो फिर उसको लेट आउट करना ही सही है। इस घर के लिए एक आदर्श बहुरिया बनाने के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा इनको? मैं इनको हमेशा मदद करूंगा, और इनको मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये कभी भी दुखी हो, और इनको हमेशा खुश रखने का कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं आप दोनों के, और बहुत अच्छी जोड़ी है। आप दोनों एक दूसरे को और कितने हद तक जानते हैं, वो जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आपकी बारी, आपकी पत्नी की बचपन की सहेली का नाम बताइए। श्वेता। क्या ये जवाब सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आपकी पत्नी की फेवरेट मिठाई क्या है? हेना पाइस। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है? पिंक। क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही है। अभी आपकी बारी, आपके पति ने कब जॉब ज्वाइन किया था? 2008 में। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति का फेवरेट टाइम पास क्या है? टीवी देखना। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति की फेवरेट हीरोइन कौन है? प्रियंका चोपड़ा। क्या ये जवाब सही है? नहीं, कैटरीना का। यहाँ गलत हो गया। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, और बहुत अच्छे से जवाब दिया एक दूसरे के पसंद का नापसंद का। तो आइए मिलते हैं इनके ससुर जी और इनकी सासू माँ से।
तो अब इस बातचीत में शामिल हो गए हैं हमारी आज की बहुरिया श्वेता कश्यप जी के ससुर जी और उनकी सासू माँ। बाबूजी, आजकल जो जनरेशन चल रहा है, जो जमाना चल रहा है, उसमें ज्वाइंट फैमिली की परंपरा खत्म हो गई है, पर आप इस टाइम में अपने घर को एक ज्वाइंट फैमिली, एकजुट करके कैसे रखे हैं? स्वाभाविक है कि परिवार के हर एक सदस्य की भावनाओं का कद्र करना जी, उनके इंटरेस्ट को देखना जी, उनके विकास को देखना और एक सबके साथ में एक अटूट रिश्ता कायम रखने के चलते ही ज्वाइंट परिवार को हम एक साथ में रखते हैं। और ज्वाइंट परिवार क्या है? एक बरगद की तरह है, इसमें कोई भी आदमी आकर के थोड़ी सा छाया में बैठता है तो उसको आनंद आता है। तो ज्वाइंट परिवार एक बरगद की तरह, विशाल बरगद की तरह है जी, जिसमें परिवार के हर एक सदस्य आकर के एक शांति का अनुभव करते हैं, आराम का अनुभव करते हैं। आपकी बहुरिया की भूमिका इसमें कैसी है? इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे आपको ऐसे कि जिंदगी में आपने क्या किया जी, कितनी ऊंचाई पर आप गए, उससे आपके जिंदगी का खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है जी। आप अंतिम समय में आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह की तरह से आपको मानसिक संतोष है, आपके चेहरे पर खुशी का भाव है, वही दैट काउंट्स। आप पहले मुख्यमंत्री हो जाएं, आप मरते समय MLA भी नहीं रहे तो उसका मुख्यमंत्री बनने का कोई ये नहीं है। मुखिया रहें आप और मरते समय या बुढ़ापा में MLA बन जाएं तो उसके चेहरे पर जो खुशी आती है ना, वो ज़्यादा व्यापक होती है। हम ये मानते हैं कि हम लोगों का जो बुजुर्ग हो गए हैं उनकी खुशी यही है कि वह अपने लड़के और पतोहू के बारे में बात करें तो उनके चेहरे पर एक खुशी झलके। तो हम इस मामले में खुशी मतलब मन खुश नसीब है कि हमारे लड़के और हमारे पतोहू बहुत ही मतलब मन कोऑपरेटिव, संवेदनशील और हम लोग के आवश्यकताओं को देखना वाले हैं लोग। और इस परिवार में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक परंपरा सी चली आ रही है सास बहू का या ससुर बहू का कि स्ट्रिक्ट रहते हैं हर फैमिली में लोग, यहाँ पे कैसा महसूस होता है आपको? यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ मतलब सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और सब लोग बहुत ही अच्छे हैं जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सबके साथ रहना, सबका प्यार पाना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बहुरिया को माँ जी क्या संस्कार देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं कि अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाए रखें? हाँ, यही कि सबसे मिलजुल के रहे, सबका सेवा करे, सबको देखभाल करे, बाल बच्चे को अच्छा से रखे जी। और सब क्या चाहिए? एक शिकायत रही है आपकी पत्नी को आपसे कि आप बहुत कम बोलते हैं, आप बात नहीं करते हैं ज़्यादा उनसे या मन में चीज़ों को रखते हैं, क्यों ऐसा? नहीं, मैं शुरू से थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कम बोलता हूँ जितने मेरी वाइफ का शिकायत है। मैं बोलता हूँ लेकिन इतना कम नहीं बोलता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा कम बोल देता हूँ जी। होता है अच्छा, ये मैं शिकायत इसको कोशिश करूंगा दूर करने का कि ज्यादा से ज्यादा बोल के आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं और अपने मन के बात को अपनी वाइफ से सब कहूं जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके और आप लोगों से बातचीत करके। लेकिन आप दोनों सास बहू एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ से, आपकी बहू का जन्मदिन कब है? 5 दिसंबर को। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू को कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है? पनीर की सब्जी। अच्छा बात। क्या ये जवाब सही है? पनीर पसंद है, उसके साथ भी और भी बहुत बहुत कुछ है लेकिन पनीर पसंद है बहुत ज्यादा। आप दोनों सास बहू एक साथ कौन सा पर्व किए थे? तीज पर्व करते हैं। क्या ये जवाब सही है? सही है। चलिए अब आपकी बारी। आपकी सासू माँ किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती हैं? शंकर भगवान जी पे। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही जवाब है। आपकी सासू माँ की बहन का नाम बताइए। सीता और बेबी, दो बहनें हैं इनकी। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आलू बैंगन की सब्जी, रोटी चावल। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। चलिए, इससे पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही जानते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की आदर्श परिवार की आदर्श बहुरिया श्वेता कश्यप जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत,
फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।